देख रहे हैं MI मीडिया और मैं हूं नीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियां। हमेशा दूसरों पर आरोपों की बौछार लगाने वाले केजरीवाल पर आरोपों का बौछार लग रहा है और केजरीवाल इसे कांग्रेस और बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बदलाव चाहती है। 10 साल के बाद अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार गिराने के नाम पर राहुल गांधी मांग रहे हैं वोट। कोलगेट मामले में केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। फोन टेपिंग मामले में जेटली ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि सुरक्षा देना जासूसी नहीं। धर्मपाल जी, आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के और आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस बार काफी दिनों के बाद एक पढ़े लिखे लोग एडवोकेट हैं जिनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, क्या आप मानते हैं क्या होगा? जबकि पूरे देश में और खासकर दिल्ली में भी अभी शीला दीक्षित पर भी CBI का मुकदमा चालू हो गया है और पूरे देश में महंगाई भ्रष्टाचार पर का मुद्दा है, आपके यहाँ से क्या मुद्दा लगता है? हमारे यहाँ से विकास का मुद्दा है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है वो पूरे वर्ल्ड में ही है, हमारे इंडिया में ही नहीं है। और दिल्ली में जितना विकास हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ। जहाँ तक आप मीडिया चिल्ला रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी, आज आपको मैं बताऊं, बिजली भी गुजरात में दिल्ली से महंगी है, पेट्रोल वहाँ दिल्ली से महंगा है। जो ये कहते हैं वहाँ तो वो 15 साल से CM है कि हम ये कर देंगे, तो सबसे पहले वहाँ आगू क्यों नहीं कर रहे? प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ हो रहा है, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हरिशंकर तिवारी के पास। इस मेले में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ आपको कुछ खुफिया कैमरे भी देख रहे हैं कि आप मेले में देखने के लिए आए हैं तो क्या क्या देख रहे हैं। इसीलिए मेला में देखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। आप जितना सावधान रहेंगे मेला का उतना ही आनंद लिया जा सकेगा। मेले के अंदर में मौज मस्ती खाने पीने के साथ साथ आपको खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। बताइए क्या सब कैसा लगा? चोखा भी अच्छा लगा, इडली टी भी अच्छा लगा। कैसा लग रहा है रसगुल्ला? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में आज तो एक डिजाइनिंग में देखा था कि बुद्धा की मूर्ति बन रही थी और वो डिजाइनिंग बहुत हद तक वो तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से वो हट गया और वहाँ पर जो है एक ऐसी सरकारी संस्था। नहीं, वो बुद्धा जी की मूर्ति जो थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इस बार की थीम में नहीं थी, वो पिछले साल की मूर्ति थी, लास्ट ईयर की थीम में थी, जो लास्ट ईयर डिज़ाइन था वो वहाँ से हमने हटानी ही थी, हम उसे बना नहीं रहते, उसे हमने हटाना था वहाँ से। वहाँ पे अगर आप देखें तो इनका लाइव डेमो लगा हुआ है। फिलहाल कैमरा मैन अभिषेक के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, IITF दिल्ली।